उत्तर प्रदेश में कांग्रेस क्यों नहीं बोलेगी? बोलेगी, हाँ हाँ बोलिए ना, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, ये पूरा देश हमारा है, हमें कोई रोक नहीं सकता बोलने से। मैं तो शांत था, याद रखा जाए। अमीश जी मैं बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड तरीके से बिहेव नहीं करना चाहता हूँ। अगर मैडम को और बोलना है तो वो और बोल ले, कोई आपत्ति नहीं है मुझे, मैं शांतिप्रिय तरीके से डिबेट करता हूँ। बिल्कुल उत्तर प्रदेश पे बोले, मंगल ग्रह पे भी बोले, सब विषय पे बोले, कोई आपत्ति। ओलंपिक पे तो बोल ही रहे हैं, ब्रोंज मेडल पे भी कंप्लेंट कर रहे हैं, हर विषय पे बोले। ये राहुल गांधी बोल बोल के तो बेड़ा गर्क हुआ, और हुआ क्यों है? अगर चुप रहते तो बंद मुट्ठी लाख की खुली मुट्ठी, ये खुली मुट्ठी खाक की हुई है, और हुआ क्या है? हम तो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, सुबह दोपहर शाम 3 बार राहुल जी का भाषण करवाइए टीवी पे, बहुत कमाल का होगा। वो कह रहे थे ये हथियार मोदी जी ने केवल मेरे फोन में नहीं डाला है, हिंदुस्तान के करोड़ों युवकों के फोन में ये हथियार डाल दिया है मोदी जी ने। बताइए, ये खुद ही बोल रहे थे एक हथियार डालने में 90 लाख या 90 करोड़ कुछ खर्चा होता है, तो ये करोड़ों लोगों के मोबाइल में मोदी जी ने डाल दिया है, सबके फोन में डाल दिया है ये हथियार, कमाल की बात है। और ये राहुल जी को पता भी है ना, राहुल जी शिकायत कर रहे हैं ना, उनके युवा मोर्चा वाले शिकायत कर रहे हैं, सब घर में बैठे हैं केवल भाषण दे रहे हैं, ऐसा पूरे विश्व में कहीं होता है क्या? आपसे लेकिन डॉक्टर पाता, महत्वपूर्ण यह है कि क्या ये जो पूरा जासूसी का स्पाईवेयर है, ये सब कुछ जो है, इसमें आप लोगों का सेल्फ गोल हो गया, जैसा कांग्रेस बार बार आरोप लगाती है, और कांग्रेस कहती है कि देश के प्रधानमंत्री को तो प्लेटिनम मेडल मिल जाना चाहिए। देखिए, जिसके पास राहुल गांधी हो, केवल उसी टीम का अपने आप गोल होता है, वो बॉल लेके खुद ही अपने बेड़े में डाल लेता है भैया, इसलिए सेल्फ गोल वहीं से हो सकता है जहां राहुल गांधी खेल रहे हो। ये बार बार कह रहे थे कि झूठ का होगा, मोदी जी को ओलंपिक में मेडल मिल जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, अगर बेवकूफ़ी और मस्खरी का ओलंपिक होगा तो राहुल गांधी रिकॉर्ड तोड़ सारे गोल्ड मेडल लेके आ जाएंगे, हम सेलिब्रेट भी करेंगे, कम से कम राहुल गांधी कुछ अचीव तो करेंगे। दूसरी बात है, इन्होंने कहा मोदी जी ने 15 साल गुजरात में क्या किया था, जो 3.5 करोड़ लोगों को आज फ्री अन्न देना पड़ रहा है, राशन देना पड़ रहा है। मैं बोल रहा हूँ कि ये इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, नेहरू जी, इन सब ने मिलकर इंडिया में क्या किया था 70 साल तक, जो आज भी हम गरीबी के विषय में डिबेट कर रहे हैं, जो आज भी हम कह रहे हैं गरीबी क्यों नहीं हटी, जो आज भी हम डिस्कशन कर रहे हैं कि 60% हिंदुस्तानी गरीबी रेखा के नीचे है, जबकि नेहरू जी भी कहते थे गरीबी हटाओ, इंदिरा जी भी कहती थी गरीबी हटाओ, राजीव गांधी भी कहते थे गरीबी हटाओ, सोनिया जी तो कहती थी गरीबी हटा दूंगी मैं, इसके बाद भी गरीबी तो हटी नहीं, तो ये सब क्या कर रहे थे इतने सालों तक? दूसरा विषय, इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में इस प्रकार से कुछ कुछ हो रहा है। देखिए, मैं उत्तर प्रदेश तो कांग्रेस पार्टी से डिस्कशन करूंगा नहीं, आप किसी और पार्टी के प्रवक्ता को बुलाएंगे तो मैं उत्तर प्रदेश डिस्कशन करूंगा, क्योंकि यह उत्तर प्रदेश में ना 3 में है ना 13 में है, ये उत्तर प्रदेश में छोटी पार्टी में इनकी गिनती हो रही है, क्योंकि अखिलेश जी कह रहे हैं कि छोटी पार्टी हमारे साथ आके हमारे साथ चुनाव लड़ो, तो ये 7 सीट जीते हैं, अखिलेश जी इनको छोटी पार्टी बुला रहे हैं, मैं इनके साथ क्यों डिबेट करूं उत्तर प्रदेश का, क्यों डिबेट करूं इनके साथ उत्तर प्रदेश का, ये पहले 3-13 से ऊपर हो तब इनके साथ उत्तर प्रदेश का डिबेट होगा। अब इन्होंने कहा कि राफेल फ्रांस में जाँच हो रही है, पहले तो मैं यहाँ तथ्य रख दूँ, फ्रांस में कोई जाँच नहीं हो रही है, जो एनजीओ थी उस एनजीओ ने वहां पर एक विषय डाला तो एक जज अपॉइंट होगा, वो अभी तक अपॉइंट नहीं हुआ है, आज से 5 दिन पहले इंटरव्यू आया था कि अभी तक जज अपॉइंट नहीं हुआ है, कोई इन्वेस्टिगेशन सरकार नहीं खोल रही है, एक जज अपॉइंट होगा। फ्रांस में क्या होता है अलग विषय है, मैं कहता हूं हमारे सुप्रीम कोर्ट में यही राहुल गांधी ने जाके माफी मांगी थी ना, किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला था, किस प्रकार से मोदी जी के लिए अपशब्द का प्रयोग किया था सुप्रीम कोर्ट के, आज यहाँ कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रीम कोर्ट को कोट कर रही है, ये तो प्रवक्ता हैं, इनके सबसे बड़े जो राजनेता हैं, इनके नेता, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट को गलत कोट किया था, ये भी गलत कोट कर रही हैं, उन्होंने भी गलत कोट किया था, कान पकड़ के उठक बैठक करा दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि पकड़ो कान और उठक बैठक करो राहुल गांधी, तो राहुल गांधी कान पकड़ के उठक बैठक कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और यहां पर आके कह रहे राफेल, आपने मुझसे पूछा क्या ये सेल्फ गोल है पेगासस? अमीश जी आप तो नहीं, कई लोगों ने हमसे पूछा क्या राफेल सेल्फ गोल है, एक पत्रकार महिला पत्रकार थी, वो तो कह रही थी कि जनता के खून में राफेल घुस गया है, आप देखिएगा 2019 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, तो वो पत्रकार का नाम मैं भूल गया हूँ, वो बोल रही थी खून में घुस गया है करके, क्या हुआ, क्या हो गया, ये खून में घुस गया था? कांग्रेस आज अगस्त क्रांति की बात कर रही है, 1942 की बात कर रही है। देखिए, एक बात मैं यहां स्पष्ट कर दूं, ये जो गांधी जी के साथ कांग्रेस अपने आप को जोड़ रही है ना, ये कांग्रेस आई है, कांग्रेस गांधी नहीं है, महात्मा गांधी, कांग्रेस आई मतलब कांग्रेस इंदिरा,
कांग्रेस टूट टूट कर केवल एक परिवार का हिस्सा है आज। महात्मा गांधी तो चाहते थे कांग्रेस शुड बी डिसॉल्व्ड, कि कांग्रेस जो है वो डिसॉल्व कर दीजिए, मैं इतिहास में जाना नहीं चाहता हूं, मगर ये गलतफहमी लोगों में ना जाए कि ये वही कांग्रेस है जो आजादी के लिए लड़ रही थी। आजादी के लिए महात्मा गांधी लड़ रहे थे और ये जो कांग्रेस है ये कांग्रेस आई है एक परिवार के भरण पोषण का एक इंस्ट्रूमेंट है, एक माध्यम है। क्योंकि बेकार की यहाँ पे बातें कर जाती है, मैं पूछना चाहती हूँ, नहीं नहीं एक मिनट, परिवार की बात ही है। जय शाह ने बड़ा जबरदस्त क्रिकेट खेला है बीसीसीआई के पद पर बैठने के लिए। मैं सिर्फ इतना जानना चाह रही हूँ कि क्रिकेट में उन्होंने क्या महारत हासिल करी है। उन्होंने बिजनेस तो अपना 80-90% बढ़ा लिया जब किसी का नहीं बढ़ा था 800%, लेकिन ये क्रिकेट में क्या महारत हासिल करी है मैं जानना चाहती हूँ। रुको जरा, सबर करो, एक सेकंड, जय शाह जी के बारे में बोला था, इसमें जवाब देना है, एक सेकंड। जी जी 30 सेकंड लीजिए। इन्होंने कहा जय शाह ने क्रिकेट के लिए क्या किया था। मैं पूछ रहा हूँ राजीव शुक्ला जी ने क्रिकेट के लिए क्या किया था, क्या किया? राजीव शुक्ला बहुत बड़े ओपनिंग बैट्समैन है, राजीव शुक्ला एकदम वर्ल्ड कप जीत के लाए थे जो वो बने हुए हैं वहां पे। मैं तीसरा सवाल पूछता हूँ, राहुल गांधी ने पॉलिटिक्स के लिए क्या किया था? अगर राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर के लिए क्वालिफाई करते हैं तो इस दुनिया में कोई भी किसी भी पद के लिए क्वालिफाई कर सकता है। आप सोच के देखिए, राहुल जैसा व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री बनने के लिए क्वालिफाई कर सकता है तो मतलब इस दुनिया में तो कोई भी किसी चीज के लिए क्या आपत्ति हो सकती है? वो तो कांग्रेस पार्टी का निर्णय है, कांग्रेस पार्टी किसी को भी बनाए प्रधानमंत्री का कैंडिडेट, वो तो कांग्रेस पार्टी का निर्णय होगा ना। तो वो तो बीसीसीआई का निर्णय है ना, उन्होंने अपने प्रोसीजर के माध्यम से किसी को बनाए तो इनको क्या आपत्ति है? तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो वीडियो जरूर थोड़ी बहुत आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियो अगर आप और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।